हे हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केवल आप 2 स्टेप करके आप मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने GTA 5 के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है गाइस, GTA 5 का अपडेट आने के बाद हम लोग का मॉड नहीं काम कर रहा था, फिर स्क्रिप्ट हुक वी का अपडेट आने के बाद फिर हम लोग का गेम भी क्रैश करने लगा। हालांकि मैंने उसे वीडियो बना के सॉल्व करवा दिया, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार फिर से एक फ्रेश कैसे मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल करना है उसका वीडियो बना दो। तो और वैसे भी मुझे वीडियो बनाए बहुत समय हो गया था मेन्यू ट्रेनर के रिगार्डिंग, तो मेरे जो पुराने वीडियो हैं वो अब काम नहीं कर रहे हैं, जो लिंक्स वगैरह हैं वो सब मतलब अब पुराने फाइल डाउनलोड हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया वीडियो बना दिया जाए। तो सबसे पहले आपको गेम कन्फिग डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दिया हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके गेम कन्फिग वर्जन 3.3 का यहाँ पर आपको फाइल डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोड हो चुका है और ये मॉड्स का आपको फाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पहले लिंक पे जाके आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। 1.29 GB का ये होगा, थोड़ा बड़ा होगा, तो इसका भी मैं गूगल ड्राइव लिंक दे दूँगा, आपको वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। अब हम इसे फटाफट से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं विनरार के मदद से। ठीक है, अगर आपके पास विनरार नहीं है तो आप विनरार इंस्टॉल कर लेना अपने PC में। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एपिक गेम्स लॉन्चर खोलना है। तो यहाँ पे मैं एपिक गेम्स लॉन्चर खोल के पहले मैं आपको अपना फाइल दिखा देता हूँ। अगर आप अपने फाइल में छेड़छाड़ किए हुए हैं या फिर कुछ अलग से आपने डाल रखा है तो आप पहले उसे हटा दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्लीन फाइल दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कल ही से GTA इंस्टॉल किया और उसमें सारा मॉडिंग मैंने सब मॉड सब कुछ हटा दिया, एकदम ये क्लीन GTA फाइल है। ठीक है, तो आप मेरा फाइल देख लो, आराम से ये वीडियो पॉज करके देख लो कि यही सब फाइल होना चाहिए और जो भी फालतू फाइल्स है वो आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, और अगर आप नहीं डिलीट करते हैं तो अभी मैं रिप्लेस करवा दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप इसे देख लीजिए, अगर कोई इसके अलावा फालतू फाइल है तो आप उसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको फाइल दिखा दिया है मेरा GTA 5 का और मैं इसे कल ही इंस्टॉल किया हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये GTA 5 कन्फिग है। अब हमें क्या करना है, मॉड्स में चले जाना है, मॉड्स वाले ये फोल्डर में चले जाना है और अब हमें यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे OpenIV करके, इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो इस तरीके से इसे इंस्टॉल करना है, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब सीधे आपको बस सिंपली कॉन्टिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉल मैं कर लेता हूँ अपना OpenIV, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया। 20 MB का यहाँ पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउनलोड मांगेगा, तो मुझे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया, अब ये इंस्टॉल हो रहा है तो थोड़ा सा मैं वेट करना है गाइस। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है OpenIV, अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं और अब हम क्या करते हैं OpenIV को खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं OpenIV को खोल लेता हूँ और OpenIV खोलने के बाद यहाँ पे आपको विंडोज़ सेलेक्ट कर लेना है, GTA 5 के अंदर विंडोज़ सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने अपना GTA 5 का फाइल जहाँ पे रखा था वहाँ पे जाना है और सिंपली बस क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे F फोल्डर मतलब F डिस्क में रखा हूँ, GTA 5 पे क्लिक करूँगा और सिंपली सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो GTA 5 मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसके बाद अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर GTA 5 पे जाओ, GTA 5 पे और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो। सेलेक्ट फोल्डर मैंने कर दिया है गाइस, अब सीधे मुझे क्या करना है, कंटिन्यू पे कर देना है। और यहाँ पे मैं जैसे ही कंटिन्यू में करूँगा मुझे यहाँ पे OpenIV में फाइल वगैरह मुझे दिखाने लग जाएंगी। ठीक है, तो सिंपली मुझे कंटिन्यू बटन दबाना होगा, अब थोड़ा सा मुझे वेट करना होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे खुल चुका है OpenIV। अब आपको यहाँ पे सीधे इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ASI मैनेजर पे, और यहाँ पे आपको ASI लोडर, OpenIV .ASI, ओपन कैमरा, इन तीनों को इंस्टॉल कर लेना अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो, और अगर इंस्टॉल है तो छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं मॉड्स का जो है फोल्डर अलाउ बना लेता हूँ, मॉड्स का फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो अब मुझे क्या करना है, अपने गेम वाले फाइल में आ जाना है सिंपल तरीके से। गेम वाले फाइल में आने के बाद अब मुझे बता रहा हूँ मैं आपको क्या करना है, सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। और अब आपको क्या कर देना है गाइस, सिंपली यहाँ पे मॉड पैक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे आपको Ctrl+A दबा देना है। ठीक है, सिंपली Ctrl+A दबाना है और आपको ड्रैग करके इस फाइल में ड्रॉप कर देना, अपने गेम फाइल में ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ड्रैग कर देता हूँ। अगर कोई भी पुराना फाइल रहेगा
तो वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो भी पुराना फाइल रहेगा वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे हो गया है कॉपी और अब मुझे आ गया रिप्लेस। तो कोई भी मेरा जो पुराना फाइल है वो नए फाइल के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से रिप्लेस हो गया है। तो यहाँ पे हमने अपना लगभग सारा काम कर लिया है। अब हमें बस अपना गेम कन्फिग वाला काम करना है और एक इम्पॉर्टेंट काम और करना है, मॉड्स में जाना है, अपडेट डॉट, यहाँ पे केवल अपडेट डॉट आरपीएफ है, आपको क्या करना है अपडेट वाले फोल्डर में चले जाना है और ये अपडेट 2.rpf को कॉपी कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है, अपडेट डॉट 2.rpf को यहाँ पे कॉपी करो, मॉड्स वाले फोल्डर में जाओ, अपडेट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। लेकिन अगर आपका GTA 5 पुराना वर्जन है तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका ये अपडेटेड वर्जन वाला GTA 5 है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारा काम कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ओपन IV खोल लेना है। ये तो हमारा यहाँ पे सारा काम हो ही चुका है। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो GTA 5 का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वर्जन 3.3 है, इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा एक्सट्रैक्ट होने में, बट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है और GTA कॉन्फ़िगरेशन वाला मुझे क्या करना है, GTA कॉन्फ़िगरेशन वर्जन 3.3 पे क्लिक करना है, फॉर मोड मॉड्स में चले जाना है, स्टॉक ट्रैफिक में चले जाना है और ये गेम कॉन्फ़िगरेशन को आपको कॉपी करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करने के लिए आपको ओपन IV खोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कोई ओल्डर वर्जन है तो आप यहाँ से भी देख के उसे कॉपी कर सकते हैं गेम कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, लेकिन मेरा लेटेस्ट वर्जन है तो मैं लेटेस्ट वर्जन वाला ही गेम कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करूंगा। उसके लिए आपको ओपन IV खोल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ओपन IV खोल लिया हूँ। अब आपको विंडोज़ पे चले जाना है और यहाँ पे मेरा ओपन IV खुल चुका है और ओपन IV खुलते ही आपको एडिट मोड पे क्लिक करके यस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया है गाइस। उसके बाद आपको मॉड्स में चले जाना है और अपडेट में चले जाना है, फिर उसके बाद अपडेट डॉट आरपीएफ में चले जाना है, फिर कॉमन में चले जाना है, फिर डेटा में चले जाना है, उसके बाद आपको यहीं पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये पेस्ट मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो सिंपली आप अपना यहाँ पे फाइल खोल लीजिए, गेम कॉन्फ़िगरेशन वाले में चले जाइए और फिर यहाँ पे फॉर मोर मॉड्स में चले जाइए, स्टॉक ट्रैफिक में चले जाइए। अब सिंपली आपको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है अपने ओपन IV में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अब आपका कंप्लीट काम हो चुका है। अब आपको गेम खोलना है, F8 प्रेस करना है और अगर आपका लैपटॉप है तो Fn+F8 प्रेस करना है और आपका मेन्यू ट्रेनर चलने लग जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं F8 प्रेस करता हूँ मेरा मेन्यू ट्रेनर यहाँ पे चलने लग जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मेन्यू ट्रेनर चलने के बाद अब मैं कुछ भी मॉडिंग कर सकता हूँ, मेरा जो मन करेगा, जो कार स्पॉन करना होगा, कुछ भी करना होगा GTA में मैं आराम तरीके से कर सकता हूँ। और जितने भी डाउनलोड के फाइल्स हैं वो सारे मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ पर जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है मॉड डाउनलोड करने में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू गाइस सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस।